आइए आज के मार्केट का मैं प्राइजेक्शन जो बना था उसको हम लोग देखते हैं। तो ये शॉर्ट वीडियो रहेगा और इसी का एक लॉन्ग फॉर्म सेम नेम से जो है हमारे वीडियो लिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं या शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच में। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे प्राइजेक्शन के बारे में। तो अब यहाँ पे चूँकि ये वाला जो लेवल है, अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं कौन सा लेवल, तो ये वाला जो लेवल है यहाँ से अगर हम फिब लगाते हैं तो ये रिट्रेसमेंट में 50% पे है, एग्जैक्ट 50% पे है। तो अब यहाँ पे मार्केट क्या हुआ कि बाइंग आई, ठीक है। अब ये वाला हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, ये वाला जो लेवल है काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेवल है क्योंकि फिब का लेवल है। अब मार्केट आज के पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम देखते हैं तो मार्केट एक तरह से कहा जाए तो मार्केट एक चैनल में फंसा हुआ ये मार्केट है। तो अगर यहाँ पे क्या यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये वाले फिब से अगर हम आपको ये वाले यहाँ तक का फिब मार करते हैं तो अगेन आपको ये वाला जो लेवल है ये वाला वो 0.5 और 0.6 का लेवल है, ठीक है। तो हमारे लिए ये लेवल निकल के आ गया है। अब आप आइए अब डिस्कस करते हैं हम लोग प्राइजेक्शन को। तो देखिए मार्केट एक चैनल में फंसा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट यहाँ से ये सीधे ऊपर गया तो नीचे आएगा तो फिब के लेवल तक आएगा, फिर यहाँ से ये ऊपर जाएगा, फिर अब ये देखिए डबल टॉप यहाँ पे ये डबल टॉप बन गया है, ठीक है। डबल टॉप से मार्केट नीचे आता है और फिर यहाँ से जो है सो अगेन यहाँ से मार्केट बाउंस करके फिर ये ऊपर जाएगा। अब फिर यहाँ से जो है सो यहाँ से मार्केट नीचे आया, अब फिर जो है सो रिट्रेसमेंट किया, अब फिर ये नीचे आया, ठीक है। तो आज के प्राइजेक्शन को अगर कोई कहे कि आप इसको पकड़ लीजिए तो हम कहाँ कहाँ पकड़ सकते थे, हमारा कहाँ कहाँ पोजीशन बन सकता था। तो अब अपन जो लेवल है ये वाले अपन मिटा देते हैं। देखो अब अपन आते हैं बात करने सिंपल सा। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्केट ने प्रीवियसली ऑलरेडी लिया हुआ था, कोई हमने यहाँ पे ये वाले लेवल तो मैंने नहीं लगाए, सुनना आप ध्यान से, ये वाले जो लेवल हैं ये वाले लेवल या ये वाले लेवल तो मैंने नहीं लगाया है, ये वाले ऑलरेडी ये लेवल थे। तो अपन या तो आप ऐसे इसको खींचोगे या फिर आप ऐसे खींचोगे। तो मार्केट जब बुलिश है तो आप अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ से बोल दिया है ये वाली, अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं और इसी को ये करके हम यहाँ तक ले जाते हैं तो हमारे पास जो लेवल है वहीं तक लगाएंगे। तो इस हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो आपको वही लेवल आएगा। तो हमारा कहने का सिंपल मतलब ये है कि यहाँ से हमें शॉर्ट करना है और नीचे के लेवल तक का टारगेट नहीं रखना है, ये फिब के लेवल तक का टारगेट रहेगा, याद रखिएगा। कई बार आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर नीचे के लेवल का टारगेट, तो कई बार नीचे यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन तक हिट करता है लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है यहीं से बाउंस होकर चला गया तो जाएगा, तो फिर से अगर यहाँ से बाउंस हो गया तो हमारा टारगेट ये रहेगा। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली सेल नहीं करेंगे, हम इंतज़ार करेंगे कि डबल टॉप ट्रिपल टॉप या ये लो को ब्रेक करे। तो इस कैंडल में इस लो को ब्रीच किया और सेम कैंडल में चूंकि ये फिब के लेवल यहाँ बायर अवेलेबल थे फिर से खींच के लेके चले गए ऊपर। फिर अब ये वाला लेवल जो है ये वाला लेवल इस वाले लेवल का 50% है। आइए हम लोग चेक करते हैं उसको। मार्केट में काम करना ऐसे ही सीखना चाहिए। देखो आप ये वाला लेवल जो है सो उसका लगभग 50% है। तो यहाँ पे आपको अगेन एक फिब का लेवल हमने ड्रॉ कर दिया ये वाली। तो अब देखना आपकी मार्केट जो है सो कैसे काम कर रहा है। अब ये जो है सो फिब का लेवल ये हो गया। तो अब यहाँ पे अच्छा ऊपर से जब आया तो आपका एक फिब का लेवल ये रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्राइजेक्शन में सिंपल है कि कहाँ कहाँ हमें यहाँ बाई करना था, उसके बाद में हमें शांत बैठना था। जब इसके नीचे ये कैंडल आ रहा था तो हमें शॉर्ट करना था और इस यहाँ तक का ही टारगेट रखना था, लगभग हिट किया फिर तुरंत आउट हो गया, ठीक है जाने दो। अब जब यहाँ से मार्केट नीचे आया तो इस वाले फिब का ये 50% है और नीचे नहीं आके ये वाले कैंडल या ये वाले कैंडल आप बाई करोगे तो आपका टारगेट अगेन ये ट्रेंड लाइन रहेगा। अब फिर नीचे आया यहाँ पर तो अब यहाँ पर आया तो यहाँ पर मान लो कि ये वाले का ये 50% है और ये वाले कैंडल पर अगर हमने शॉर्ट किया तो हमारा टारगेट यही रहेगा। बहुत छोटे छोटे टारगेट हैं तो कभी कभार मार्केट अच्छा टारगेट देता है, कभी कभार नहीं देता है, सिंपल सी बात है।